मजे वाला। दोस्तों आज का स्नो एडवेंचर अपना यहीं से शुरू होने वाला है। हेलो दोस्तों, जय बोलेगी। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैन फ्रॉम माउंटेन में। तो दोस्तों एक बार फिर से आ गए हैं आपके बिकू भाई, बिकी भाई। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत देखिए, हम कर रहे हैं अपनी पसंदीदा जगह काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जीरो पॉइंट से। तो जैसा कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, हम पिछली बार भी आए थे बर्फ में। तो उस दिन तो हम कोटाधार का जो गांव का गांव के आखिरी पॉइंट तक गए थे हम, बिल्कुल कोटाधार गांव के आखिरी पॉइंट। तो उस दिन तो पॉइंट तक गए थे। तो उसके बाद फिर से बिकू भाई एक दिन आए थे अभी पीछे, है ना बिकू भाई? बिल्कुल। तो बिकू भाई उस दिन थोड़ा आगे तक गए थे जहाँ काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट है। तो दोस्तों ठीक है, वहां तक तो रास्ता क्लियर है आज। तो अब वहां तक तो उससे आगे दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज उससे आगे चलेंगे अब। तो देखते हैं आगे तो ऊपर भी ज्यादा होगा, क्यों बिकू भाई? बिल्कुल। तो देखते हैं आगे आज भी कैसा रहता, क्यों? बिल्कुल। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये पहुंच चुके हम उसी पॉइंट पे जहाँ पर हम पिछली बार पहुंचे थे। तो वहाँ पे वो झाड़ियाँ थी दोस्तों, वो साफ कर दी अभी बिकू भाई ने। तो यहाँ अभी तो बर्फ भी खत्म हो गया यहाँ पे। ये वाली वो झाड़ियाँ दोस्तों, ये जो दिख रही है ये काट दी बिकू भाई ने और क्लियर कर दिया रास्ता। लाइफ सेंचुरी के एंट्री गेट तक तो है ना बिकू भाई, अब रास्ता क्यों आगे भी है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से तो बिल्कुल सूखा भी। तो देखिए दोस्तों बर्फ अब आगे मिलेगी आपके लिए। वीडियो बनाने के चक्कर में हमें क्या क्या करना पड़ता है। बिल्कुल। तो भाई दिखाना अभी को भाई अपने व्यूअर्स, थोड़े बहुत तो व्यूअर्स अपने पास थोड़े बहुत तो है अपने चाहने वाले, क्यों इनके लिए तो करना पड़ेगा इतना। आगे देखिए रोड भी बहुत ही। ये देखिए दोस्तों मैं थोड़ा बाहर से दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों यहां से रास्ता भी बहुत स्लाइड हो चुका है। ये देखिए पूरा चला गया यहां से नीचे और इतनी जगह अपने के लिए। तो रेड आइस अपनी निकल जाएगी आराम से यहाँ से। थोड़ा थोड़ा बस इन झाड़ियों को साफ करना पड़ेगा हमारे को। और ये देखिए बिल्कुल यहाँ से इतना रास्ता है गया हुआ ये। तो ये थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ साइड में ये काटेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। देखिए दोस्तों आज तो पूरा ये दाज। बिल्कुल। तो ये और वो देखिए पीछे दोस्तों आज तो पीछे सब्सक्राइबर दोस्तों इनकी खुशी देखिए। स्पेशली जब मेरी गाड़ी आती तो ये बहुत ही खुश हो जाते। ये देखिए छोटे भाई लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ तक, क्या करने जा रहे हैं आगे? ऐसे जा रहे हैं घूमने। घूमने जा रहे हैं? ओहो ये वाला ठीक है जी। Thank you.
दोस्तों देखिए पहुंच ही चुके हम काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्री गेट पे, जहां हम पिछली बार आना चाहते थे और नहीं पहुंच पाए थे। तो आज तो यहां तक तो ज्यादा बर्फ नहीं है, बर्फ है ही नहीं मतलब इस साइड को, और वहां से आगे है बर्फ। दोस्तों ये देखिए बस यहां तक गए थे हम आगे। अच्छा यहां आगे तक गए थे आप? यहां तो उस साइड को ज्यादा बर्फ है। दोस्तों आज का स्नो एडवेंचर अपना यहीं से शुरू होने वाला है। किसी भी अपने भाई को अगर स्नो नहीं मिल पा रही है नजदीकी, फिर कांटेक्ट करें, फिर यहाँ पे स्नो स्नो है भरपूर। बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू आज का एडवेंचर। हाँ बिल्कुल, तो ये देखिए दोस्तों पिछली बार तो बिकू भाई यहाँ तक आए थे। हाँ अच्छा, तो यहाँ से आगे कोई भी गाड़ी नहीं गई है दोस्तों, तो यहाँ से आगे जाएंगे अब द मैन फ्रॉम माउंटेन, आपके बिकू भाई। सिर्फ आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए। सबसे पहले हम माउंटिंग करेंगे अपने रेड आइस के टायर में हवा कम, तो चलिए अभी पहले हवा कम करते हैं ताकि टायरों को अच्छी ग्रिप मिलती रहे। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल प्यार से चल रही है। हवा कम करने का ना दोस्तों बहुत फायदा होता है। ये देखिए टायरों को अच्छी ग्रिप मिल रही है। अभी थोड़ा बर्फ भी सख्त हो गई है ना, तो ज़्यादा नहीं डूब रही है। और देखिए क्या मस्त चल रही है एकदम, बिल्कुल स्मूथ अपनी रेड आइस। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इस पॉइंट पे, यहाँ को बोलते हैं बंगला गए, मतलब यहाँ से तांदला गांव है नीचे। अच्छा। यहाँ से तांदला के लिए भी जाते हैं। हाँ यहाँ से नीचे जाते हैं दोस्तों, ये जो रास्ता यहाँ से रास्ता भी तो नहीं दिख रहा है, पर यहाँ से नीचे यहाँ एक रास्ता है गाँव के लिए तांदला के लिए। तो ये कुछ इस तरह की जगह पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे तो शायद पूरी बर्फ ही बर्फ है, ये देखिए पहले पैच पैच में थी ना पीछे। हाँ वैसा नहीं होगा शायद, यहाँ पूरी हो गई, यहाँ से बर्फ भी ज्यादा है थोड़ी, यहाँ बर्फ ज्यादा ही है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो अभी हमने ले लिया यहाँ पे एक टी ब्रेक, थोड़ा क्यों भी भाई चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा मैगी वगैरह इंजॉय करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद चलेंगे फिर से आगे तक। अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, तो चलिए अभी पहले थोड़ा चाय वगैरह और मैगी का मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों अपना मैगी ब्रेक भी कंप्लीट हो गया और टाइम हो रहा दोस्तों अभी 4 बज रहे हैं,
पैकिंग भी हो गई। तो पैकिंग भी हो चुकी है, ये देखिए बिकू भाई सारा पैक करते वो सामान। तो ठीक है अभी चलते हैं थोड़ा आगे तक, देखते हैं आज रेस्ट हाउस पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। बस तो पहुंच जाएंगे बिकू भाई, बस तो लग रहा है कि आराम से पहुंच जाएंगे इस बार। बिल्कुल, तो मिलते हैं अब। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपना अधूरा एडवेंचर फिर से शुरू और करते हैं इसको कंप्लीट आज, देखते हैं कैसा कैसा रहता है, आगे पहुंचते हैं रेस्ट हाउस या नहीं। बस तो आगे ऐसे देखने से तो लग रहा है कि आगे ज़्यादा ही बर्फ है, पर चलिए आगे जाके ही पता लगेगा कितनी बर्फ है कितनी नहीं। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी स्टक हो गई है दोस्तों, पर निकल जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हल्का फुल्का ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, निकल जाएगी यहाँ से। देखिए दोस्तों विकी भाई वीडियो के चक्कर में पीछे मुड़ा वाला थोड़ा दिखाओ, टोपी में थोड़ा फुर रहा ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो आप, ये देखिए दोस्तों पूरा कीचड़ ही कीचड़। आपको ऐसे नजारे दिखाने एडवेंचर दिखाने के लिए देखो इस साथ में थोड़ा सा इस अभी पीछे पीछे इस साथ में। तो दोस्तों गाड़ी यहाँ पे जैकअप हो चुकी है पूरी तरह से, यहाँ देखिए और साथ में स्नोफॉल, ये देखिए बिल्कुल ही, ये देखिए। और यहाँ पे ये तना है एक, ये जगह भी हमें बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, हाँ ये जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। मैं तो फेंक सकता हूँ, आपका नहीं पता, फेंक दो फेंक दो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरी तरह से। तो दोस्तों अभी करते हैं जगह बनाते हैं फिर उसके बाद चल पड़ते आगे। ये देखिए ये देखिए क्या, आप भी लाइफ में एक बार ऐसा एंजॉय जरूर लें, ऐसा एडवेंचर जरूर करें, ज्यादा नहीं तो हमारे साथ ही आए। हमारे साथ भी नहीं आ सकते तो फिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुद भी ऐसी वीडियो देखें और दूसरों को भी दिखाएं। तो ये देखिए दोस्तों लगभग बर्फ हटाई दी हमने काफी, ये जैसी नीचे जाम हो गई ना, जैसी जैकअप हो गई है। देखिए दोस्तों वहां पे बर्फ ही बर्फ पूरी तरह से। तो दोस्तों बर्फ हटा दी है, तो चलिए अभी देखते हैं ट्राई करके निकलती है या नहीं, या और बर्फ हटानी पड़ेगी नीचे, तो अभी चेसी में बहुत बर्फ फंसी हुई है। तो चलिए देखते हैं अभी एक ट्राई मारते हैं, बस तो निकल जाएगी पर नहीं निकली तो फिर हटानी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। तो चलिए एक ट्राई मारते हैं पहले, वो निकल गई दोस्तों। और जाने दो पीछे बिकू भाई, और पीछे जाने दो। हो ये देखिए दोस्तों कितनी बर्फ थी यहाँ पे, पीछे जाने दो पहले।
और अभी हम दोस्तों उस पॉइंट पे पहुंचने वाले आगे जहाँ पर पिछले साल हमारी गाड़ी पूरी तरह फंस गई थी, उस जगह को न्यारा था आज बोलते हैं। तो अंधेरा ही हो गया था पिछली बार तो वहाँ पे, तो अभी देखते हैं आज का क्या रहता है सीन। और टाइम अभी हो रहा दोस्तों 5:25 हो गए हैं, तो चलिए अपना सफर भी थोड़ा ही, अभी 1-2 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं। अभी बस वो न्यारा थाज वाले पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, तो देखते हैं इस बार भी वहाँ पर कैसा रहता है। बाकी तो दिक्कत तो अभी तक कोई भी नहीं है दोस्तों, हल्की फुल्की वो जो होता है वो तो चलता रहता है। बाकी तो अपनी रेटाइज देखिए बिल्कुल बराबर चल रही है। तो भी कुछ भाई इस बार तो पता ही नहीं लग रहा हम बर्फ में गाड़ी चला रहे हैं, है ना, बिल्कुल नॉर्मल ही चल रही है। क्यों गाड़ी बस अब न्यारा थाज पहुँच गए ना, नहीं बस ये देखिए दोस्तों वो वाला पॉइंट, ये जो पेड़ है वहाँ पे देवदार का, इसके साथ में वो हल्की सी ठोकर है यहाँ पे, यहाँ पर फंस गए थे हम पिछली बारी, तो ये यहाँ अंधेरा हो गया था पिछली बार, तो इस बार देखते हैं। इस बार तो उम्मीद है निकल जाएंगे, इस बार तो आराम से भी कोई। तो दोस्तों ये है वो न्यारा थाज वाला पॉइंट जहाँ पर पिछले साल हम फंस गए थे पूरी तरह से, तो आज तो नहीं फंसेंगे। बस 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 बिकवाई पीछे जाने दो, पीछे से आओ, थोड़ा ऊपर साइड को रखो गाड़ी, तो इस बार तो नहीं फंसेंगे दोस्तों क्योंकि बर्फ भी बहुत ज़्यादा कम है, तो सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा बर्फ ना बाकी नहीं। बस बस पीछे जाने दो, पीछे से मोशन में लाओ थोड़ी, पिछली बार तो यहाँ पे बुरी हालत हो गई थी दोस्तों, यहीं पर अंधेरा हो गया था, देखा ही होगा आप लोगों ने वीडियो में, अगर जिस जिसने नहीं देखा है तो हमारे पिछले साल के वीडियो में देख लीजिए। ये देखिए चढ़ गई, बस 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 थोड़ा सा पीछे, बस आगे लो फिर, ये तो भाई ये टायर ने धुआं ही दे दिया इस बार तो। देखिए दोस्तों और ये देखिए कितनी, ओ रुको 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 पीछे जाओ थोड़ा, पाइप फट गई कूलेंट की दोस्तों, ये देखिए कूलेंट की पाइप फट गई अपनी, ये देखिए सारा कूलेंट गिर रहा है, कूलेंट की पाइप फट गई बिकू भाई, ये देखिए दोस्तों, ओ शिट ये तो पंगा ही हो गया। कई बार ये साइड से भी निकलता है, ज़्यादा बोनट निकालो तो देखिए दोस्तों, देखते हैं चेक करते हैं, ये देखिए एकदम से दिखा मुझे ना ये ग्रीन, तो यहाँ से भी निकलता है कई बार, नहीं नहीं यहाँ से ही इसका, यहाँ से गिरा कहाँ से निकला ये, तो ये देखिए दोस्तों पता नहीं चल रहा दोस्तों, ये देखिए स्टार्ट करो एक बार थोड़ी रेस तो बड़ा, दो एक्सीडेंट को थोड़ा और दो रुको रुको रुको, शील्ड उठानी पड़ेगी मार को, फिर पता लगेगा इसको निकाल के पूरा क्या है। बिकू भाई इसको हटाने के लिए है चाबी प्लास कुछ है, चाबी पे नहीं प्लास है, है। निकालो फिर इसको, कवर को हटाना पड़ेगा। तो देखिए करो वाले पास स्टार्ट, बस 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 ये दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम, ये देखिए ये वाली प्रॉब्लम, तो बीमारी तो पकड़ ली हमने, कहाँ से लीकेज है, तो अभी ऐसा है कि हमारे पास ना इसको पकड़ने के लिए प्लास नहीं है क्योंकि लॉक जो है प्लास के बगैर तो निकलेंगे नहीं, तो फिलहाल देखते हैं कोई जुगाड़ करते हैं कोई तिकड़म, ये तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है आपने देखा ही होगा, तो चलिए करते हैं इसका सिस्टम पहले कुछ, फिर चलते हैं आगे। न्यारा थाज दोस्तों ये पॉइंट मार लिया हम हर बार ही, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला आ गया बिकू भाई, न्यारा थाज ये हमें अंधेरा ही कर देता है यहाँ पे हर बार, तो चलिए अभी करते हैं पहले जुगाड़ इसका फिर चलते हैं आगे दोस्तों। ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, बस हमारे पास अब टूल की कमी है, अगर हमारा टूल हो गया फिर तो 2 महीने में हो जाएगा ये काम, तो चलिए फिलहाल अब नहीं है तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा दोस्तों कुछ ना कुछ, पहले जुगाड़ करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो अभी विकी भाई जुगाड़ ही कर रहे हैं, जुगाड़ ही करना पड़ेगा विकी भाई क्या करें, एक तो हमारे पास दोस्तों टूल नहीं है जो सबसे जरूरी टूल, ये नहीं होगा रो, तो ये देखिए दोस्तों अभी कुछ अभी तो जुगाड़ ही चला है, लगता है ये तो बहुत कामयाब हो जाएगा इस, तो वैसे होना तो चाहिए अभी को भाई, पूरे नीचे भी लगाओ ना, नीचे भी लगाओ, हाँ नीचे तक भी लाऊंगा मैं इसको, ऊपर से पूरा पैक करते करते ना
वैसे तो बढ़िया लग रहा है देखने में तो क्यों कलरफुल। हाँ जी विकी भाई, बस विकी भाई लगभग हो ही गया जुगाड़, तो क्या बोलते अब चलना चाहिए ये जुगाड़, बस थोड़ा इधर से चल जाएगा। क्यों चलना तो अच्छी है था परे तक जाए, हल्की फुल्की लीकेज होगी ना उसका कोई दिक्कत नहीं भाई। बस ये देखिए दोस्तों, तो अभी कोई लीकेज नहीं है दोस्तों, जुगाड़ कर दिया एक नंबर हमने, तो फिलहाल ये टेम्परेरी जुगाड़ हो गया है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो जुगाड़ कर दिया है और राइड शुरू हो चुकी है। यहाँ देखिए हाथों की हालत, थे तुम्हारे पास ग्लव्स भी, पर ग्लव्स से ना दोस्तों वहाँ टाइट जगह है, तंग जगह थी, हो रहा ही नहीं था पकड़ने को। तो अभी आगे की राइड शुरू हो चुकी है, तो चलिए अब चलते हैं आगे, अब जाएंगे हम रेस्ट हाउस तक। पर जैसा हमने सोचा था दोस्तों वैसा नहीं हुआ ही, हमने सोचा कि आगे रेस्ट हाउस के वहाँ पे जाके ना ड्रोन शॉट लेंगे बढ़िया बढ़िया से। क्या करना, न्यारा था आज जिंदाबाद, न्यारा था आज तो हर बार ही हमें न्यारा कर देता, अंधेरा कर देता यहाँ पे दोस्तों। अगली बार अब ध्यान रखेंगे इस चीज का, न्यारा था आज का। नहीं इतना टाइम भी लग रहा था तुम्हारे पास ना, थोड़ा मतलब वो क्लास में था उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया ना। तो चलिए इस तरह से पता भी चलता है, एक्सपीरियंस भी इसी तरह से बढ़ता है, यही तो मजा है दोस्तों, याद भी रहेगा बिल्कुल, और एक्सपीरियंस भी यही तो है भाई। अब अगले बार अपने पता है कि ऐसे जाना है तो अपने पास टूल भी होने चाहिए दोस्तों, गाड़ी के चाबी पाने तो अपने पास फुल पावर है, पर जो प्लास होता है वो प्लास ही है, वो चाबी थोड़ी का वो काम, पर हमने प्लास का काम चाबी से ही कर दिया। क्यों भी भाई, द मैन फ्रॉम माउंटेन, आपको पता तो है पहाड़ी बंदे कदी नहीं मंदे, फिर आज भी नहीं मानने तो चलिए दोस्तों अब चल पड़े आगे। तो देखिए आगे का नजारा, अंधेरा हो चुका है। दोस्तों धुआं देखिए कैसे निकल रहा है अपनी राइट आइज से, शायद अभी भी लीकेज हो रही है थोड़ी बहुत, तो चलिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर मांग रही है ना गाड़ी यहाँ पे ट्रक, तो चलिए देखते हैं जैसा भी होगा। पहुंचने ही वाले हैं, मतलब ज्यादा 100 मीटर की दूरी पर है हमें अभी रेस्ट हाउस से। इस बार तो दोस्तों रेड आइस को कोई दिक्कत नहीं हुई, बस वो ही हो गया एक पाइप का पंगा पड़ गया वहां पे, वो तो भाई जगह ही पता नहीं क्या नशकनी जैसी जगह वो क्यों भी भाई टच नहीं खराब हो जाती है दोस्तों उस जगह पे, हर बार वही उसी जगह पे। तो इस बार देखिए पाइप भी फट गया अपना, पर आपके भाई भी नहीं मानते हैं, द मैन फ्रॉम माउंटेन का मानते, देखो जुगाड़ करके चल पड़े आगे और पहुंचने वाले अभी 100 मीटर रह गया बस पहुंच गए। ये देखिए दोस्तों इस तरह के कई दिक्कतें आएगी, देखिए भाई साफ करते हुए शानदार। तो ये देखिए दोस्तों पहुंच चुके हैं आखिरकार हम, यो ये देखिए सेव ट्रीज सेव वाइल्ड लाइफ, ये पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये देखिए उसी जगह पे और वो रहा ऊपर रेस्ट हाउस। तो ऊपर चलते हैं थोड़ा चौकीदार जी से मिल के आते हैं, देखते हैं। और स्नोफॉल देखिए दोस्तों, वो अब तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गई है नहीं, तो ये देखिए दोस्तों स्नोफॉल भी जबरदस्त हो रहा है, चलिए मैं बाहर से दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए दोस्तों ये क्या करके रखा है, यहाँ वन्य प्राणी शरण का इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और वो रहा ऊपर रेस्ट हाउस, यहाँ पे स्टे करने के लिए भी फैसिलिटी है, अगर आप स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो, बस थोड़ा पहले बुकिंग करानी पड़ती है। और ये देखिए स्नोफॉल और वो अपनी रेड आइस, लो बीम कर दो भाई लो बीम। और ये देखिए दोस्तों अपनी रेड आइस और धुआं देखो कैसे मार रही है, अभी वो लीकेज पूरी तरह से ठीक नहीं हुई ना उस वजह से, और स्नोफॉल तो बराबर चला है,
पर नीचे तो स्नो नहीं अभी दोस्तों पिछले साल की तरह। तो ये अपने मामू साहब ये यहाँ पे चौकीदार है दोस्तों रेस्ट हाउस के, कभी आप आते हो यहाँ पे तो ये आप देख लीजिए, पहचान के रख लीजिए इनको मामू साहब, 12 महीने यहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे बिल्कुल। और ये देखिए दोस्तों कितनी ढेर रखी हुई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ढेर है और एकदम मस्त स्नोफॉल बिल्कुल फ्रेश। ये देखिए तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेस्ट हाउस पे। वो पीछे बिल्कुल वो पीछे अपने पीछे रेस्ट हाउस है। तो यहाँ पे पहुंच गए और अपने चौकीदार साहब उनसे भी मिल लिए, वो तो बेचारे बहुत ही अच्छे इंसान के बहुत भाई, हमें बोल रहे थे बहुत ज़्यादा बोल रहे कि रुको रुको अब रात को मत जाओ, मतलब सब कुछ दे रहे थे हमें, राशन पानी दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं वो, तो बहुत अच्छे इंसान है बेचारे। तो हम तो नहीं रुक सकते दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ गई है तो उसको भी कल ठीक करना है, कहीं ऐसा ना हो कि, और ऊपर से देखो स्नोफॉल भी हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह तक बिल्कुल पैक हो जाए और हम यहीं पे फंस जाएं। तो इसलिए आज तो अभी वापस जाएंगे यहाँ से, तो अब इसके बाद आएंगे हम दोबारा फिर से, क्योंकि भाई स्नो कैंपिंग करने, अब अगला वीडियो तो अपना स्नो कैंपिंग का होगा दोस्तों। फिलहाल तो अभी हम ऐसे ही रोड साइड पे ही करेंगे स्नो कैंपिंग, रोड के नज़दीक ही, और उसके बाद फूटासोर वाली जो कैंपिंग है वो उसके बाद होगी, क्योंकि भाई करके जाएंगे उसके लिए। तो हाँ तो अभी तो वहाँ नहीं जा सकते, अभी तो नहीं जा सकते भाई, क्यों, अभी तो कम से कम 3-4 फीट बर्फ है वहाँ पे दोस्तों, तो अभी तो रिस्की भी है बहुत ज़्यादा ऐसी इतने ज़्यादा बर्फ में वहाँ जाना, तो वो तो आगे करेंगे हम जब थोड़ा बर्फ कम हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से रहा दोस्तों आज का स्नो ऑफ रोडिंग, तो उम्मीद तो हमने बहुत ज़्यादा की थी कि बहुत ही ज़्यादा बर्फ होगा शायद इस तरफ को, पर जैसा कि आपने देख लिया बर्फ़ पिघल गई है, क्योंकि बीच में मौसम साफ रहा ना काफ़ी दिन, तो बर्फ़ पिघल गई थी। आज तो अपनी रेड आइस को कोई दिक्कत नहीं हुई दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ आई, बिल्कुल आराम से, क्यों बिल्कुल शानदार तरीके, वही बस एक जगह जो स्टक हुई वही चेसी फंस गई थी नीचे, तो उसके लिए तो दोस्तों कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हवा में तो ला नहीं सकते, क्यों तो भी जल्दी हो गया था। हाँ उतना दिक्कत नहीं, पिछले साल की तरह पिछले साल तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों कुछ इस तरह से रहा, जो भी भाई लोग अपने ऑफ रोडिंग के शौकीन है इस रोड पे आप आ सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट तक रेस्ट हाउस तक, क्योंकि इससे आगे दोस्तों स्लाइड हो चुका है पूरा रोड, तो बिजली महादेव तो नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ से। तो रास्ता आपके लिए बिल्कुल रेडी कर दिया है द मैन फ्रॉम माउंटेन ने, तो आप भी इस रोड पे स्नो ऑफ रोडिंग का मजा ले सकते हैं आजकल। तो ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे एंड, अब मिलेंगे आपसे बहुत जल्द स्नो कैंपिंग करते हुए अगले वीडियो में। तो बताइए कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ठीक है के साथ करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय भोले की।